गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम लोग आपके हिंदी व्याकरण जो संजीवनी है उसमें पढ़ेंगे आपके पाठ को शब्द और वाक्य, जिसका टाइटल है शब्द और वाक्य। आप लोगों ने वर्ण पढ़ लिया, मात्राएं पढ़ ली, अब आप आज आप लोगों का टॉपिक है शब्द और वाक्य। तो हम लोग ये देखेंगे कि शब्द कैसे बनता है और उन शब्दों से वाक्य कैसे बनता है। पहले आप लोग ये जानिए कि शब्द कैसे बनता है। देखिए मैंने लिखा है वर्णों के सही क्रम सही प्रकार से जोड़ने पर शब्द बनता है। मैं आप लोगों को वर्ण बता चुकी हूँ कि वर्ण क्या होता है। हम लोगों की वर्णमाला में जो स्वर है और व्यंजन है वो क्या बनाते हैं, हम लोगों को वर्ण है वो वर्णमाला बनाते हैं। उन्हीं वर्णों को जब सही ढंग से लिखते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। और जब वो शब्द एक अकेला शब्द आप लोगों को तो कोई बात बता नहीं सकता है। कोई भी अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग के मुँह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनका एक सीरियल से जब वो आती है तो वो क्या शब्द बनता है। और उन्हीं शब्दों को जब बढ़ा के सही ढंग से बोला जाता है तो क्या वो वाक्य बनता है। लेकिन उसको वाक्य को सही क्रम में अगर नहीं लिखेंगे, शब्द को सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो हम लोगों का कोई भी बात पूरी नहीं होगी, कोई भी बात हम लोगों की पूरी नहीं होगी। देखिए जैसे मैं एक शब्द हमारी बात पूरी नहीं कर सकता, मैंने ये बताया आप लोगों को कि एक शब्द अगर मैंने बस बोल दिया कि वाक्य तो आप लोगों को समझ में आया कि क्या है, कुछ नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को आज शब्द और वाक्य बताऊंगी तब आप लोगों को समझ आया कि हाँ मैंने किस चीज़ बारे में बताया आप लोगों को। तो यही है, हम लोगों का एक शब्द आप लोगों की बात पूरी नहीं कर सकता है, उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, कई शब्द जोड़कर शब्द जोड़ेंगे लेकिन उसको सही क्रम में जोड़ेंगे। ऐसे ही नहीं कि आगे पीछे कुछ भी लिख देंगे तो वो कोई भी एक वाक्य नहीं बनाएगा। शब्द को सही क्रम में सही प्रकार से लिखना पड़ता है तब हम लोगों का वाक्य बनता है। वाक्य शब्दों के मेल से ही वाक्य बनता है, बताया था मैंने शब्दों के मेल से जो शब्द हम लोगों के हैं वो वाक्य बनाते हैं। उसका मेल जब सही ढंग से होता है तो वाक्य बनता है। शब्दों के सही क्रम में लगने से ही वाक्य अर्थपूर्ण होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि शब्द को जब सही क्रम में लिखेंगे तो हम लोगों की कोई भी बात उसका कोई अर्थ निकलेगा, वो बात हम लोगों की मदद देती है। उल्टा पुलटा जब बोलेंगे तो हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आएगा कि हम लोगों ने बोला क्या, तो क्या बोला उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं अभी आप लोगों को जो भी बता रही हूँ एक सीरियल से बता रही हूँ, अगर मैं कुछ आगे पीछे बोलूँ कि नहीं ये करना वो करना तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन इसको अगर सही क्रम में मैंने बताया तो ये आप लोगों का वाक्य बना। ये इसी तरह आप लोगों को देखिए क्या है, इसको आप लोग के बुक में भी लिखा हुआ है, हाँ 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 रीना तुम्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता। तो क्या मतलब, रीना ने कुछ वाक्य बोले लेकिन उसने क्या बोला जिसका कुछ अर्थ नहीं है। देखिए बीकू देखो मेरे नए तेजू, अब ये क्या है, बीकू देखो मेरे नए तेजू, ये क्या कुछ बात है ना, कुछ सही इसका अर्थ निकला कुछ कुछ नहीं। इसका सही क्या होगा, इतना भी नहीं जानते जूते, मतलब तेजू तो कोई वर्ड हुआ नहीं, उसका सही वर्ड क्या है, वो शब्द क्या है, जूते। तो देखो मेरे नए जूते, ये हो गया, ये सही अर्थ होगा, इसका कुछ मतलब निकला। तो इसी को कहते हैं शब्द और वाक्य। बच्चों आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि शब्द और वाक्य क्या है। इसका उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को इसको जो एक्सप्लेन करूंगी, हम लोग इसको और भी डिटेल में अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे हम लोग इसको सही क्रम में लिख के शब्द बनाएंगे, वर्णों से शब्द बनाएंगे और शब्दों से वाक्य किस तरह बनाएंगे। इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ओके थैंक यू।